आईपीएल मेगा ऑप्शन के बाद से ही ऋषभ पंत का लखनऊ का कप्तान बनना तो लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि लखनऊ की टीम ने इस मेगा ऑप्शन ऋषभ पंत को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ी बोली लगाते हुए 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। ऐसे में उनका कप्तान बनना तो लगभग तय माना जा रहा था। ऑक्शन के बाद एलएजी के मालिक संजीव गोयनका ने एक इंटरव्यू में वादा किया था कि वह जल्द ही कप्तानी का खुलासा करने वाले हैं, मगर लगता है वह अपने वादे को भूल गए हैं, या फिर हो सकता है कि वह इतना जल्दी इसका खुलासा नहीं करना चाहते। पर अब उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उनसे पूछा गया कि एलएजी का अगला कप्तान कौन होगा, तो इस सवाल पर उन्होंने बड़ा सस्पेंस भरा जवाब दिया। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आईपीएल 2025 के लिए हमारी टीम बहुत ही शानदार है, हमारे पास कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत, निकलस पूरन, एडम माकरम, ये वैसे खिलाड़ी हैं जो पॉजिटिव इंटेंट रखते हैं। संजीव गोयनका जी से इस तरह का जवाब सुनकर ऋषभ पंत के फैंस को लगने लगा कि कहीं ऋषभ पंत का कप्तानी से पत्ता न काट जाए, क्योंकि संजीव गोयनका ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋषभ पंत थोड़े महंगे पड़ गए। ऐसे में फैंस को लगने लगा कि कहीं ऋषभ पंत का कप्तानी से पत्ता न काट जाए। आईपीएल मेगा ऑप्शन से पहले लखनऊ की टीम ने निकलस पूरन को 21 करोड़ में अपनी टीम में रिटेन किया था। तब अयास लगाए जा रहे थे कि आईपीएल के अगले सीजन के लिए निकलस पूरन को एलएसजी का कप्तान बनाया जा सकता है, पर लखनऊ की टीम ने ऋषभ पंत को मेगा ऑप्शन में 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। तब से यह माना जा रहा कि लखनऊ के अगले कप्तान ऋषभ पंत होंगे। पर संजीव गोयनका की इस तरह का जवाब सुनकर हमें लग नहीं रहा कि ऋषभ पंत एलएसजी के अगले कप्तान बनेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, एलएसजी का अगला कप्तान किसे होना चाहिए, ऋषभ पंत या फिर निकलस पूरन? जो भी आपकी राय हो कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।